कहीं ना ये चाहते हैं हमारे हिंदू धर्म में जो है सब चीज़ ये संस्कृति सिखाई जाती है कि सारे धर्म एक हैं, ठीक है, और लेकिन ये इस्लाम धर्म एक्सेलेंट मूवी। अच्छा, जैसे जब कश्मीर फाइल्स में पूरा दिखाया गया, ट्रू इवेंट दिखाया गया, तो इसमें कुछ एडिशन किया गया मूवी में कि पूरा जो है उससे कमी है? मुझे लगता है सबका अपना धर्म है, यूनिक कल्चर है, और उस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। कैसी लगी? कि सब लोग मूवी देखो, एक बार जरूर देखो ताकि पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि अभी से भी सब लोग के अंदर एक जागरूकता पैदा हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मूवी की रेटिंग हम 5 में 5 देंगे। मूवी बहुत अच्छी थी। लड़कियों का जो भी प्रॉब्लम होता है वो कभी सोसाइटी में दिखाई नहीं जाती है, तो इसके थ्रू हमें अवेयरनेस मिला और बहुत कुछ पता भी चला। बढ़िया थी मूवी, अच्छी है। एक एडिशन किया गया अलग से कि मतलब सेम स्टोरी मतलब ट्रू इवेंट दिखाया गया? नहीं, अभी तो हमको जो पता है कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। यही समझना चाहिए कि यार अपनी हिंदू जो है किसी रिलीजन फाइट नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए, लोगों दूसरे धर्म को भी मानना चाहिए, बट आप चेंज हो जाते हो इज नॉट अ एजुकेटेड थिंग। मैं ये जिहादी साले बताते हैं, आप हमारी हिंदू लड़की को मतलब ये लोग जो है अपने तरीके में जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में बचपन से बताया जाता है भैया सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे जो धर्म हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके धर्म में हम लोगों को काफिर बताया जाता है। इस मूवी से यही सीख, अगर हमारी हिंदू बहनें बेटी अगर अभी भी ना जाग पाए तो भी बेकार है। इस मूवी को सबको देखना चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी में बताना क्या चाह रहा था? वो बताना ये चाह रहा था इसमें पूरी स्टोरी में कि महिलाएं जो है महिलाओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती हैं। अब वो जो थी आसिफा जिनका रोल था उसमें आधा शर्मा को उन्होंने बहकाया, सब कुछ अपने जाल में फंसाया और भी हिंदू महिलाओं को फंसाया, उसके बाद एक प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। इन कंपेयर टू कश्मीर फाइल्स देयर इज लेस कंटेंट इन दिस। कश्मीर फाइल्स जो इमोशनल मतलब जो इमोशनल हो गए थे लोग देखकर, उतना ज्यादा इमोशनल नहीं। इसमें उसका स्टार 5 4 इमोशनल हो गए थे मूवी देखने के बाद, मतलब जो घटना हुई थी मतलब बेसिकली रियल लाइफ से रियल है। इसमें तो यही कहना चाहूँगा कि अपने कल्चर को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, और जैसे हम लोग को समझाया जाता है, जैसे हम लोग को बताया जाता है ना कि हमारे कृष्ण जी ऐसे ही, राम जी ऐसे, ये ऐसे से करें, तो बेसिकली वो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, और ज़्यादा सो कॉल्ड लिब्रांडो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ज़्यादा लिब्रांडो नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ का सेंस होना चाहिए। अगर आपके पास सेंस है और हर चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो कि ये सही है गलत है, और हाँ डायरेक्टली मैं कहूँगा कि ये कास्ट का प्रॉब्लम तो है, ये कास्ट दिक्कत करती है।